एनिवर्सरी व्लॉग ऐसा टाइटल देख के लोगों को लगेगा बलून्स दिखेंगे, फ्लावर्स दिखेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू वन मोर स्पेशल व्लॉग। आज है हमारी एनिवर्सरी, टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा। तो बेसिकली हमारी जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी तब ऋषि हैड प्लान्ड अ ट्रिप टू महाबलेश्वर, फिर सेकंड एनिवर्सरी पे अगेन ही हैज बुक्ड अ रिजॉर्ट इन सम प्लेस नियर बाय पुणे। तो इस बार मैंने उसको बोला कि तू कुछ भी ऐसा मत कर, क्योंकि यार एनिवर्सरी दोनों की है तो कोई एक ही क्यों करे। तो इसलिए मैंने इस बार उसको बोला कि थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, थोड़ा सा कैजुअल रखते हैं, क्योंकि पिछले दो वीकेंड से हम ट्रैवल ही कर रहे हैं, दो नहीं आई गेस तीन वीकेंड से हम ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो उसको बोला कि इस बार आई विल डू समथिंग फॉर यू एंड यू डू समथिंग फॉर मी, बिल्कुल ही बेसिक, आपको आगे पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। या टेक योर टाइम, अपने पास पूरा दिन पड़ा है। एक लड़की होने के स्ट्रगल्स तुम क्या जानोगे ऋषिकेश बाबू। What do you think, क्या बोलने वाली हूँ मैं अभी? Content दे और क्या? आजकल तो वही तो मांगती है। You're so lucky, दूसरों की वाइफ्स उनसे क्या क्या मांगती है, मैं सिर्फ content मांगती हूँ। हमने सोचा डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, तो ये बस थोड़ा सा हमने कुछ ऑर्डर कर लिया अपने लिए। और ये मैं हूँ, ये मेरे बाल है, और मैं अपने बालों से छुपा रही हूँ ये पाव भाजी जो मैंने अपने आपको खिलाने से पहले अपने टॉप को खिला दी। तेरी आंखों में मैं अपने आप को देख पा रही हूँ आज। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कि हनीमून कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, और वो बोलती है रामपुर चले, रामपुर चले। एक बार फिर से कहना भाभी, रामपुर चले। हाँ। याद है वो सीन? याद है क्या? नहीं याद है। तो वो जब बोलती ना रामपुर चले, तो तब जैसे सैफ अली खान को होता ना क्या दोबारा एक बार बोलना, तो आज मुझे वैसा हुआ जब तूने बोला इस्कॉन चले। कैसा लगता सी मेलोड्रामेटिक वाइफ मिलने पर। थ्री डाउन फॉरएवर टू गो। सो दिस इज द थिंग दैट ऋषि हैड प्लान्ड फॉर मी। सरप्राइज तो नहीं बोल सकते क्योंकि मुझे पता था, उसने मुझे पूछा था कि ठीक है तुझे कैजुअल रखना है, सिंपल रखना है, तो क्या करना क्या है तुझे। तो मैंने बोला था कि कैंडल लाइट डिनर वुड डू, सो इसलिए ही प्लान्ड अ कैंडल लाइट डिनर। मुझे वेन्यू पता नहीं था, अभी पता चला है, इट्स रूफ टॉप बाय होटल ओ, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अडा और अदा। Open eye,
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Jokes apart, the place was really beautiful, amazing, with such a scenic beauty, और खाना भी बहुत अच्छा था. So I would definitely recommend this place for candlelight dinner, not for a casual dinner, but a candlelight dinner date. So ये तो थी ऋषि की डेट, ऋषि की तरफ से एनिवर्सरी डेट. तो मैंने प्लान किया है एक मूवी डेट, और वो उसको पता है, कोई सरप्राइज नहीं है उसके लिए. तो मूवी डेट मैंने इसलिए प्लान की थी क्योंकि काफी टाइम से ऋषि को बहुत इच्छा थी मूवी देखने की थिएटर में जाके, क्योंकि अमेजोन या नेटफ्लिक्स पे ही मूवीज देख रहे थे हम. तो ही वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट अगेन, तो ये मुझे पता था, तो इसीलिए मैंने वीआईपी लाउंज में मूवी डेट बुक की है. और वहाँ पे कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है, सो इसलिए आई विल क्लिक ऐसे छोटे मोटे क्लिप्स मेरे मोबाइल फोन से, एंड देन आई विल शो यू दैट. स्टे ट्यून्ड. अधूरी कहानी हमारी अधूरी. एनिवर्सरी पे कौन से गाने गुनगुना रहा है ये लड़का? इतनी देर से मैं सुनने जा रही हूँ. यूज़लेस. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. The movie date, it was great. Yeah, after so long watching a movie in theater, and that too VIP experience thanks to my wife. You're and, welcome. Yeah, movie was also great, you should go and watch it. Social message. Rajkumar Rao, amazing actor man. Jab koi baat bigad jaye, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना सा.